नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। माफिया ब्रदर्स की हत्या के बाद सियासी घमासान जारी है, देश विदेश में इस हत्या की चर्चा हो रही है। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें अतीक की हत्या में स्टेट फंडिंग होने का शक है। बता दें कि ये याचिका उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल किया है। इससे पहले एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। इस याचिका में मांग की गई थी कि 2017 में अब तक यूपी में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसकी एक्सपर्ट कमेटी में जांच कराई जाए। वहीं अतीक अशरफ हत्याकांड मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे एक्शन में हैं। सीएम ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने 3 सदस्यीय जांच आयोग के गठन के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस मामले के हर संभव पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में अब सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। बता दें कि अतीक अशरफ की हत्या के कुछ ही देर बाद कॉल्विन अस्पताल और आसपास के पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। यूपी पुलिस की स्वाट टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगा दी गई। इसके अलावा इंटरनेट सेवा और एसएमएस पर भी बैन लगा दिया गया। एहतियात के तौर पर आसपास के जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती प्रयागराज में कर दी गई थी। फिलहाल अब उनकी हत्या के पीछे मास्टरमाइंड कौन है उसकी तलाश में अब बाबा की पुलिस जुटी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।